What are the products that we are going to install in Scorpio? Seats ki jo finishing hai, wo bilkul aapke saamne. Now comes the most awaited part. Hello everyone, this is Rahul from Carman India and we are back again with a new video. So aaj jo car main aap logo ko dikhane ja raha hu, this is Scorpio 2017 मॉडल एंड आज इसके अंदर हम एक बहुत ही प्रीमियम एंड लाउड SPL ऑडियो अपग्रेड करने जा रहे हैं. जो उसका साउंड आउटपुट होगा दैट इज नीडलेस टू से दैट विल बी रियली रियली लाउड एंड पूरा इसका केबिन जो है अच्छे से फिल कर दिया जाएगा उस ऑडियो आउटपुट से. सो काफी इंटरेस्टिंग रहने वाली है आज की वीडियो, मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए. बात आती है कि आज इस कार के अंदर हम कौन कौन से प्रोडक्ट्स इंस्टॉल करेंगे एंड कैसे कैसे करेंगे. तो इसके अंदर सबसे पहले जो हमारे डोर्स के अंदर स्पीकर्स इंस्टॉल होते हैं, जनरली हम कंपोनेंट स्पीकर्स इंस्टॉल करते हैं, तो आज इसके अंदर हम इंस्टॉल करेंगे मिड रेंज स्पीकर्स. उसी के साथ साथ हम ऐड करेंगे सुपर ट्वीटर्स विच विल गिव अस ट्रेबल. उसी के साथ साथ हम ऐड करेंगे इसके अंदर एक सब वूफर विद हाई पावर. उसी के साथ हम इसके अंदर इंस्टॉल करेंगे 3 एम्पलीफायर्स, 2 4 चैनल एम्पलीफायर्स एंड 1 मोनोब्लॉक एंड एक हेड यूनिट भी इंस्टॉल किया जाएगा. दिस इज दी ओल्ड हेड यूनिट, इसको आज हम अपग्रेड करके एक न्यू पाइनियर का हेड यूनिट लगाएंगे. सो जो जो भी इसके अंदर प्रोडक्ट्स एग्जैक्टली लगेंगे उन सबको मैं आपको अनबॉक्स करके दिखाऊंगा. सो स्टे ट्यून्ड विद मी. नाउ दीज आर द प्रोडक्ट्स दैट वी आर गोना इंस्टॉल इन स्कॉर्पियो. सबसे पहले बात आती है हमारे मिड रेंज स्पीकर्स की. तो आगे जो हमारे फ्रंट वाले 2 डोर्स है अलॉन्ग विद बूट, हम ऑन टोटल 4 मिड रेंज स्पीकर्स को ऐड करेंगे. एज यू गाइज ऑल नो दिस इज अ 130 वॉट RMS मिड रेंज स्पीकर जो कि इंस्टॉल किए जाएंगे आज स्कॉर्पियो में. उसी के साथ साथ जो हमारे बुलेट ट्वीटर्स ऐड किए जाएंगे फ्रंट में, हमारे एवटार के हाई फ्रीक्वेंसी बुलेट ट्वीटर्स ऐड किए जाएंगे. दिस इज 300 वॉट्स मैक्स पावर एंड 150 वॉट RMS. एंड उसी के साथ साथ जो हमारे रियर वाले मिड रेंज स्पीकर्स होंगे बूट में, वहां पे हम ऐड करेंगे DD ऑडियो के सुपर ट्वीटर्स. जो हमारे रूफ में ऑलरेडी हम एक स्पेस प्रोवाइड की जाती है, वहां पे इन सुपर ट्वीटर्स को इंस्टॉल किया जाएगा. अब बात आती है जो हमारे मिड रेंज स्पीकर्स है उन्हें ड्राइव करने के लिए वी ऑल्सो नीड अ 4 चैनल एम्पलीफायर. तो जो 4 चैनल एम्पलीफायर हम यूज करेंगे टू ड्राइव दी मिड रेंज स्पीकर्स, उसके लिए हम यूज करेंगे एवटार 460.4 एम्पलीफायर. दिस इज अ 115 RMS पर चैनल एम्पलीफायर क्लास AB. एंड उसी के साथ साथ जो हमारे सुपर ट्वीटर्स है, 4 सुपर ट्वीटर्स को ड्राइव करने के लिए एम्पलीफायर जो हम यूज करेंगे दैट विल बी एवटार 240.4 चैनल एम्पलीफायर. दिस इज अ 4 चैनल एम्पलीफायर विच गिव्स 60 वॉट RMS पर चैनल एंड दिस इज अ क्लास AB एम्पलीफायर. नाउ सिंस यू गाइज नो दैट दिस इज गोना बी अ SPL सेटअप विच मीन्स इट इज गोना बी सुपर लाउड, तो इसके अंदर सब वूफर जो हम इंस्टॉल करने जा रहे हैं आज दैट इज बाय डेव बॉन्स एपोकलिप्स. दिस इज अ 1500 वॉट RMS सब वूफर एंड इसके बिल्ट देख सकते हैं, दिस इज अ मॉन्स्टर सब वूफर. एंड इसको ड्राइव करने के लिए जो एम्पलीफायर हम यूज करेंगे दैट विल बी बाय डेव बॉन्स एपोकलिप्स एटम सीरीज. दिस इज अ 1500 RMS मोनो एम्पलीफायर एंड इसके थ्रू आज हमारे सब वूफर को ड्राइव मिलेगी. उसी के साथ साथ हमारे जितने भी मिड रेंज स्पीकर्स हो गए, ट्वीटर्स हो गए, उनको जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमें एलोकेट करनी होगी वो एलोकेट की जाएगी यूजिंग अ DSP. दिस इज अ डेफ बॉन्स मचेटे MA DSP एंड इसके थ्रू हमारे जितने भी मिड रेंज स्पीकर्स, ट्वीटर्स, सब वूफर, जो भी सबको फ्रीक्वेंसी एलोकेशन होगी वो सारी की सारी इस DSP के थ्रू की जाएगी. उसी के साथ साथ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो भी हमारी डैम्पिंग रहने वाली है, द डैम्पिंग दैट वी आर गोना यूज इज डॉक्टर आर्टेक्स इरिडियम सीरीज. दिस इज अ 2.2 mm थिक डैम्पिंग शीट एंड इज वेरी ड्यूरेबल एंड इससे आज हमारी पूरी कार को डैम्प किया जाएगा इंक्लूडिंग द डोर्स एंड बूट, एवरीथिंग विल बी डबल डैम्प्ड. उसी के साथ साथ जो हेड यूनिट हमारा रहेगा आगे दैट विल बी अ पाइनियर हेड यूनिट. सो दिस इज ऑल जो आज कार के अंदर इंस्टॉल होने जा रहा है एंड इसको लगने के बाद जो उसका साउंड आउटपुट आएगा आई विल डेफिनेटली शेयर विद यू गाइस. सो स्टे ट्यून्ड विद मी. ए फ्यू मोमेंट्स लेटर सो फाइनली द इंटीरियर एंड ऑडियो अपग्रेड ऑफ दिस कार इज फाइनली कंप्लीट. एंड जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आज इसका हम एक कंप्लीट इंटीरियर रिवैम्प करने जा रहे हैं. सो हियर इज द फाइनल लुक इन फ्रंट ऑफ यू गाइस.
जैसा कि आप देख सकते हैं, इसके अंदर हमने जो थीम मेंटेन करी है दैट इज टैन एंड ब्लैक। जो इसका डैशबोर्ड होता है वो आपने बिफोर देख ही लिया था कि हाउ इट कम्स इन ब्लैक एंड व्हाइट स्कीम, एंड इसको आज हमने कंप्लीट रिवैम्प किया है। आप देख सकते हैं इसका जो अपर पार्ट है दिस इज ऑल टैन, जो उसका लोअर वाला पार्ट है दैट इज ऑल ब्लैक, एंड हेयर आप जो देख सकते हैं जो ट्रिम है यहाँ पे दिस इज कार्बन टैन फिनिश, एंड सेम फिनिश को हमने यहाँ पे स्टीयरिंग पे भी मेंटेन किया है। जैसे कि आप देख सकते हैं जो सिल्वर वाला पार्ट होता है दिस इज कार्बन टैन, एंड इसके ऊपर जो स्टिचिंग की गई है दिस इज टैन कलर स्टिचिंग, एंड ओवरऑल दिस इज अ वेरी प्रीमियम स्टीयरिंग। नाउ कम्स द मोस्ट स्पेशल पार्ट अबाउट दिस कार कि टैन एंड ब्लैक इंटीरियर तो हो गया वन साइड, द मोस्ट स्पेशल थिंग अबाउट दिस कार इज दैट दिस इज द इंडियाज फर्स्ट स्कॉर्पियो दैट हैज इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल सीट्स। Yes, you heard it right. जैसा कि हमें इनोवा क्रिस्टा में देखने को मिलता है सेम सीट्स हमने इस कार के अंदर इंस्टॉल की है, एंड आप देख सकते हैं ये है इसका स्विच, एंड इफ आई पुश इट बैकवर्ड्स तो ये सीट पीछे चली जाती है, एंड इफ आई पुश इट फॉरवर्ड तो ये आगे आ जाती है। उसी के साथ साथ वी कैन इवन टिल्ट द सीट यूजिंग दिस इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल्स। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने इसको पीछे की तरफ मूव किया सो दिस इज गोइंग बैक, एंड यही इसको अगर मैं फ्रंट की तरफ करूँ देन दिस विल कम इन फ्रंट। So this is India's only Scorpio that has electronically adjustable seats. Seats की जो finishing है वो बिल्कुल आपके सामने है, आप देख सकते हैं इसकी proper stitching की गई है, and it is a very smooth fabric. इसका touch and feel is very soft and premium, and बिल्कुल जैसे एक luxury car के अंदर seat covers लग के आते हैं बिल्कुल same seat covers इस car के अंदर install किए गए हैं। आप देख सकते हैं पीछे भी all this is very soft and smooth leather. And also उसी सीट के पीछे आपको मिलती है एक फूड ट्रे जिसके अंदर आप अपना खाना रख के इसको आराम से, यू ऑल्सो गेट ए ड्रिंक होल्डर, एंड यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कार्बन टैन फिनिश रखी गई है, एंड बोथ द सीट्स कम विद देयर इंडिविजुअल फूड ट्रेस। सो ओवरऑल यूटिलिटी वाइज कम्फर्ट वाइज दिस इज अ वेरी प्रीमियम सीट। नाउ कम्स द मोस्ट अवेटेड पार्ट दैट इज द ऑडियो अपग्रेड। सो ऑडियो अपग्रेड में जैसा कि मैंने आपको सारी की सारी चीजों की अनबॉक्सिंग करके दिखाई, सारी की सारी एक्सेसरीज के अंदर इंस्टॉल हो चुकी है। जो मिड रेंज स्पीकर्स हैं दैट आर इंस्टॉल्ड ओवर हियर, जो एम्पलीफायर्स है दैट आर इंस्टॉल्ड बिलो द सीट, जो इसके सुपर ट्वीटर्स हैं आप देख सकते हैं दोज आर माउंटेड ऑन द रूफ टू गिव इट एक्स्ट्रा ट्रेबल, एंड जो सब वूफर है दैट इज प्लेस्ड इन द बूट, एंड अनदर सेट ऑफ सुपर ट्वीटर्स इज इंस्टॉल्ड इन द बूट डोर। एंड नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम मैं आप सबको सुनाना चाहूंगा एक SPL साउंड आउटपुट इस पूरे सिस्टम का। जैसा कि आप लोगों ने सुना कि इसका जो साउंड आउटपुट है दैट इज रियली रियली लाउड, दिस इज अ प्योर SPL सेटअप, एंड ये चीज तो आप लोगों ने जज कर ही ली होगी इसका साउंड आउटपुट सुन के जो मैंने आपको अभी अभी सुनाया। जो भी हमने इसके अंदर स्पीकर्स ट्वीटर्स
जो भी चीज़ें इसके अंदर इंस्टॉल करिए इंक्लूडिंग द डैम्पिंग, ऑल ऑफ देम आर प्लेइंग देयर सपोर्टिंग करेक्टर वेरी वेल एंड सारे के सारे मिल के एक बहुत ही लाउड एंड प्रीमियम साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं। अगर आप सब भी अपनी कार के अंदर ऐसा ही एक SPL ऑडियो अपग्रेड प्लान कर रहे हैं और यू वॉन्ट टू गेट योर इंटीरियर अपग्रेडेड इन सच अ वे द कम्प्लीट इंटीरियर, या फिर किसी भी तरह की आपकी कोई कार एक्सेसरीज की नीड है, देन यू आर मोस्ट वेलकम टू विजिट अस। जो शोरूम का एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स है वो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा अलॉन्ग विद द गूगल मैप्स लिंक, जिसको क्लिक करके आप डायरेक्टली हमारे शोरूम तक नेविगेट कर सकते हैं। उसी के साथ साथ इफ यू वॉन्ट टू स्टे अपडेटेड विद आवर डेली अपडेट्स, देन यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम का यूजर नेम हैंडल आपको स्क्रीन पे विजिबल हो रहा होगा, सो यू कैन गो एंड फॉलो अस। सो दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू स्टे नोटिफाइड फॉर ऑल द अपकमिंग फ्यूचर वीडियोस। दिस इज मी राहुल साइनिंग ऑफ फॉर द डे, थैंक यू।